हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज हिस्ट्री न्यूज़ चैनल में मैंने जैसा आपसे कहा था कि आपको पीसीएल पर एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी इस प्रकार है दोस्तों कि इसमें 6 किरदारों का रोल है। एक राजा है जो जंगल का शेर, और एक उसका दोस्त बकरा है, और एक लोमड़ी है, और एक भेड़िया है, सफ़ेद भेड़िया। और साइड रोल में एक मच्छर है और एक स्पाइडर यानी मकड़ी है। ये कहानी लोमड़ी की और बकरे की दुश्मनी पर आधारित है। दोस्तों, इनकी दुश्मनी बहुत पुरानी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं इनकी जो दुश्मनी है उसके बारे में बता देता हूँ। बहुत पुरानी बात है कि चंपक वन में एक शेर रहा करता था, और ये एक शेरनी रहा करती थी, उनका एक बच्चा था। बच्चा अभी छोटा सा था, दूध पीता था। इन शेर और शेरनी शिकार खेलने बच्चे को गुफा के बाहर छोड़कर शिकार खेलने चले गए। तभी उसे खेलता हुआ देखकर एक चालाक लोमड़े की नज़र उस पर पड़ी, और उसने बच्चे को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया। शेर का बच्चा कितना अलवाया लगेगा, कितना मुलायम मीट लगेगा इसका, उसको इस तरह के सपने आने लगे। तभी वहाँ पर एक बकरे का बच्चा चुग रहा था, और उस बकरे के बच्चे ने इस लोमड़ी के इरादों को भांप लिया, और उसने एक भी क्षण गंवाए जैसी उसके ऊपर लोमड़ी झपट्टा मारने को थी, बकरे ने जाकर, छोटा बच्चा था बकरा भी, उनने अपने सींग उस पर अड़ा दिए। लोमड़ी डरकर भाग गई अचानक हमले से, लेकिन शेर का बच्चा बच गया। अब क्योंकि दोनों ही बच्चे थे तो अब दोनों ही आपस में एक दूसरे को लिपट गए, कहने लगे तूने आज मेरी जान बचाई है, और वे उसी दिन से पक्के दोस्त बन गए। अब दोस्तों, ये दुश्मनी इनकी 2.5 दशक से चलती रही, क्योंकि शेर का दोस्त बकरा था, और शेर जंगल का राजा हो चुका था, क्योंकि अब ये जवान हो गए थे दोनों, और अच्छी 45-40 की उम्र के हो गए थे, इसलिए इनकी दोस्ती भी पक्की हो गई थी। अब होता ये है कि एक बार अपने दोस्त की इंतज़ार कर रहा था जंगल का राजा शेर, के मेरा दोस्त आएगा, मैं उससे बात करूँगा। तो निर्धारित जगह पर उन्हें मिलना था, उस जगह पर वो बकरे का इंतज़ार करने लगा कि भाई अभी मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया। अचानक उसको बेस्ट फ्रेंड आता हुआ दिखा। उसने देखा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आ गया है। बेस्ट फ्रेंड ने को बैठाने को कहा, लेकिन बेस्ट फ्रेंड उसके दाईं ओर थोड़ा दूर पर बैठ गया। जैसे ही वो वहाँ बैठा, एकदम से शेर चौंक कर खड़ा हो गया, बोला अरे तू बहुत गलत जगह बैठ गया। बकरा बोला क्यों? कि भैया यहाँ बहुत बड़े चाणक्य की चीता जली थी, जिस जगह तू बैठ गया अब तेरे ऊपर सारस्वती का प्रकोप आ जाएगा। बकरा बेचारा डर गया, फिर डर के बोला अरे मैं इन बातों को नहीं मानता। उन्होंने बात आई पाई कर दी, अपनी दोस्ती की गप्पे लड़ाते रहे, फिर वो चलने का टाइम हो गया तो ये अपने अपने रास्ते चले गए। अब सारस्वती तो उस पर बकरे पर चल गई। अब क्या होता है कि बकरा कुछ दूर ही चला था कि उसे ध्यान आया कि इस चंपक वन में एक बहुत अच्छी बेल लगी हुई है, उसकी पत्तों की, पान के पत्तों की, थोड़े से पत्ते वही खाता जाऊं। तो दोस्तों, लोमड़ी ने तो उसकी चक्कर में थी कि किसी ना किसी दिन मैं इसको ज़रूर पटकी खिलाऊंगी। लोमड़ी का दोस्त जो भेड़िया था, इन दोनों की दोस्ती स्वार्थ की दोस्ती थी, क्योंकि लोमड़ी इस चालाक जानवरों को जैसे बैल गाय ऐसी सीधे सीधे जानवरों को बहला फुसला कर उसके भेड़िए से हमला करवा कर उनकी हड्डियां का शौकीन था। ये बहुत शौकीन था लोमड़ा हड्डियों का। लोमड़े की ये चालाकी थी कि वो शिकार इससे कराता था और ख़ुद उसको बची हुई हड्डियों को बड़े चाव से खाता था। जैसा कि मैंने बताया कि
बकरे पर शाल सती आ गई थी, तो उसने आज दुश्मन के जाल में वो फंसने जा रहा था। उसे क्या पता था कि दुश्मन मेरा जाल बिछाए बैठा है। तो ये बकरा चंपक वन के उस वन में चला गया जो अंगूरी बाग था, उसके बैक साइड में वहाँ पर एक पानों का भी बहुत बड़ा बाग था। उस बाग में ये प्रवेश करने ही वाला था, अचानक इस ये जाल में फंस गया। जाल जो लोमड़ी ने फैलाया हुआ था, एक मकड़ी की सहायता से बनवाया था उसने, बहुत मजबूत जाल बनवाया था, और उसका खूंटे उसके दोस्त भेड़िए ने गाड़ रखे थे। जैसे ही उन्होंने देखा कि ये बकरा फंस गया, तो तभी उनने अपने भेड़िए दोस्त को आवाज़ लगाई कि दोस्त आजा, शिकार फंस गया। दोस्त ने आकर देखा कि अरे, ये तो राजा का बेस्ट फ्रेंड फांस लिया आज इसने। अब वो एक कुछ पल के लिए रुक गया और सोचने लगा। वो लोमड़ी के बच्चे ने कहा, लोमड़ी ने कहा, अरे क्या सोच रहा है? तो वो बोला भेड़िया कि मैं सोच रहा हूँ कि आज तूने बहुत गलत जगह हाथ डाल दिया। अरे ये तो जंगल के राजा का दोस्त है, इसको तूने कहाँ जाल में फांस लिया? बोला यार, दोस्त होगा, भूख लग रही है बहुत ज़ोर की, जल्दी से इसको खाओ। बोला कि रुक जा भी, मुझे सोचने दे, तूने बहुत बड़ा आज कांड करवा रहा है मेरे से, रुक जा, मुझे अभी दो तीन मिनट सोचने दे। फिर काफ़ी सोचने के बाद भेड़िया बोला कि देख दोस्त, अभी 2 घंटे का समय है दिन छिपने में, जब तक इसकी भी दोस्ती का पता चल जाएगा कि इसे दोस्त कहीं ढूंढता हुआ ना आ जाए, और रात के टाइम इसे आराम से खाएंगे। यही सब बातें वहाँ बैठा हुआ एक मच्छर, जो मच्छर कछुए की कमर पर बैठा था, वो ये सब देख रहा था कि आज जंगल के राजा के दोस्त को फांस लिया इस लोमड़ी ने। तो वो एक क्षण गंवाए अपनी आधी भूख छोड़कर, जो वो के कछुए का खून पी रहा था, उड़ता हुआ वो शेर के पास आ गया। शेर के कान द्वार पर आकर वो कहने लगा, महाराज महाराज उठिए। जो शेर अपनी गुफा के बाहर ऊँग रहा था, वो बोला, ए कौन फरियादी आ गया? बोला, शेर महाराज, आज आपका बेस्ट फ्रेंड मुसीबत में है, उसको लोमड़ी ने जाल में फांस लिया, और भेड़िया और वो दोनों उसकी दावत करने खाने वाले हैं। इस जितना सुना तो उस जंगल के राजा की शेर की सारी नींद दूर हो गई, और खड़ा होकर बोला, बता कहाँ पर है मेरा दोस्त? बोला कि भाई, चंपक वन के पीछे जो वो पान का बाग है, वहाँ पे उनने मकड़ी की सहायता से एक बड़ा सा जाल बना रखा था, जो कि उसका इंतज़ार कर रहा था कि किस दिन वो यहाँ पे आएगा पान खाने और मैं उसे फांसूंगा। तो उसने बस कुछ क्षण गंवाए वहाँ पर पहुँच गया, भाग के पहुँचा, जाकर देखा तो वाकई मच्छर की बात बिल्कुल सत्य निकली। अब शेर को देखकर गिदड़ तो भाग गया, लेकिन शेर जो था वो अपनी दुम नीचे उकर कर वहीं उसको घूरता रहा। जब भेड़िया नहीं भागा तो उसने भेड़िए को सोचा कि अगर भेड़िया इसे खाना होता तो भेड़िया इसको खा सकता था, लेकिन इसने खाया नहीं। ये इतना सोच ही रहा था कि बकरा जो है बकरे को छुड़ा लिया था। बकरा खड़ा हो गया, बोला, दोस्त क्या सोच रहा है? कि सोच रहा हूँ उसका दोस्त तो भाग गया, आज मैं इससे तेरा बदला ले लूँ। बोले, नहीं दोस्त, ऐसा मत करना, मेरी दुश्मनी इससे नहीं है, मेरी दुश्मनी तो लोमड़े से थी, उसने ही मुझे फांसा था। ये तो बहुत देर से यही सोच रहा था कि कैसे खाऊं ना खाऊं, लेकिन दोस्त तू अचानक आ गया। अरे मैं कहाँ आ गया, मुझे तो मच्छर खाने बताया था कि तेरे दोस्त को पकड़ लिया है और ऐसे ऐसे वो जाल में फंसा हुआ है, तो मैं भाई वहाँ से एक भी क्षण गंवाए थे, जब बचाने आ गया कि अब क्या करना है, आज तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। शेर ने जैसे ही उसके भेड़े की तरफ कुलपका तो बकरे ने उसको रोक लिया, बोला, यार तू इसको बख्स दे, इसको अभी मत कुछ कह, आज इसने मुझे बख्शा है, चल तू इसे बख्श दे, चल हमारी, मैं बच गया बस बहुत है, चलो घर को चलते हैं। बोले, ठीक है, आज तू कह रहा है तो मैं घर को चल रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से वो अपने दोस्त को बचा कर तो ले आया, लेकिन
अभी उसकी दुश्मनी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि लोमड़ा तो भाग गया था और स्पाइडर भी अपने पत्तों में छुप गया था, यानी कि मकड़ी भी उसको शेर को देखकर पत्तों में दुबक गई थी और मच्छर जो था वो बड़ी मस्त मस्त मुगन से मुस्कुरा रहा था। अब ये दोनों दोस्त वहाँ से टहलते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे। बकरे के ऊपर काफ़ी चोटें आ गई थी, बहुत हाथ पैर मार रखे थे उसने जाल में से निकलने के, लेकिन वो निकलने में असमर्थ हो रहा था। इस वजह से वो काफ़ी थक गया था और उसके घिसटे भी लग गई थी। तो दोस्तों ये बकरे की जान तो बच गई लेकिन अभी दुश्मनी ख़त्म नहीं हुई थी और आपको आगे कहानी क्रम से मैं सुनाऊंगा। दोस्तों अगर ये मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये किस पर आधारित थी, और अगर आपको अच्छी लगे तो आप मुझे सब्सक्राइब करना, और अगर आपको अच्छी ना लगे तो सब्सक्राइब मत करना।